नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, हर मुकाबले के साथ पॉइंट टेबल की जो रेस है वो रोमांचक होती जा रही है और एक बार फिर से पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल को बुरी तरह से हरा दिया है। तो कैसे ये पॉइंट टेबल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में पिछला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत हासिल करते ही सीधे पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी छलांग मार दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लखनऊ ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है, तो वहीं दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जानने के लिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, कल लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां केएल राहुल की टीम ने एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया। इस मुकाबले को जीतना केएल राहुल की टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि केएल राहुल की टीम अभी तक आज तक फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। अब ऐसे में केएल राहुल प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स को ना सिर्फ पॉइंट टेबल में ऊपर रखें बल्कि आने वाले दिनों में फाइनल में भी पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और कैसे राहुल की टीम ने बहुत लंबी छलांग मार दी है। दोस्तों, अब पॉइंट टेबल में जो सबसे ऊपर टीम है वो अभी भी कोलकाता ही है। कोलकाता ने 4 मैच खेले हैं और 4 मैचों में से कोलकाता को 3 मैचों में जीत हासिल हुई है। इस वजह से कोलकाता की टीम जो है वो 6 पॉइंट के साथ और काफी अच्छे नेट रन रेट के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। लेकिन केएल राहुल की टीम भी कोलकाता के बिल्कुल बराबरी पर है, लेकिन इनका नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है। यहां पर लखनऊ की टीम ने 4 मैच खेले हैं और 3 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 1 मैच हारे हैं और इनके पास भी 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट के साथ ये दूसरे नंबर पर विराजमान है और इनका जो नेट रन रेट है वो 0.256 है। अगर बात करें तीसरे नंबर की टीम की, तो वो है राजस्थान रॉयल। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान रॉयल पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में जीत मिली है, जबकि 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और इस वजह से ये पॉइंट टेबल में अभी भी काफी नीचे हैं। इसके अलावा गुजरात की टीम चौथे नंबर पर है। इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और इस वजह से गुजरात की टीम जो है वो चौथे स्थान पर है 4 पॉइंट के साथ। पंजाब की टीम जो है वो 5वें नंबर पर है। 3 मैचों में 2 मैच में इनको जीत मिली है, जबकि 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और इस वजह से ये 5वें नंबर पर है। बेंगलोर की टीम 6ठे नंबर पर है। इन्होंने भी 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में जीत मिली है और इनके पास जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा बुरा है, इस वजह से ये पॉइंट टेबल में काफी नीचे हैं। जबकि दिल्ली की टीम 7वें स्थान पर पहुंच गई है लखनऊ से हारते ही। दिल्ली ने 3 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 1 में ही जीत मिली है, जबकि 2 में हार मिली है और इस वजह से इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट है। चेन्नई की टीम 8वें नंबर पर है और चेन्नई की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और 3ों में ही हार का सामना करना पड़ा है, इस वजह से चेन्नई की टीम बहुत नीचे है। जबकि मुंबई की टीम चेन्नई से भी नीचे है। जी हां, मुंबई की टीम 9वें नंबर पर है और इनका हाल भी बिल्कुल चेन्नई के जैसा ही है। इन्होंने भी 3 मैच खेले हैं और 3ों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि हैदराबाद ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है और इस वजह से हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर है। तो कुल मिलाकर के केएल राहुल की टीम ने एक बहुत अच्छी छलांग मारी है। केएल राहुल की टीम इससे पहले 4थे-5वें नंबर पर थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केएल राहुल की टीम अपनी पॉइंट टेबल में ये जगह बरकरार रखेगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।